वो जबरदस्त, इनसे कंसिस्टेंट बैट्समैन पूरी दुनिया में नहीं है। चंद वो बैट्समैन है जो हमेशा रन्स करते हैं। स्मिथ बहुत अच्छे कंसिस्टेंट प्लेयर है, फिर न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है वो बहुत कंसिस्टेंट है। इसके ऊपर उस तरह का नहीं आता बैट पे है, जैसे कोहली के ऊपर आ गया, वो एक अग्रेसिव फ्लेयर वाले प्लेयर है, बट टेक्निकली कोई मैच नहीं है बाबर से। तो जो अब देखिए, मैं कभी कभी उसके ऊपर जो तनकीद भी करता हूँ, तो वो एक कंडीशनल होती है। उस कंडीशंस में आपको इस तरह से खेलना चाहिए था या इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए थे। अब ये थोड़े दिनों से पता नहीं, वो एक लॉबी है उसके पीछे पड़ी हुई है खामखा। हालांकि देखा जाए तो कौन सा कोई अचानक हमारे पास माइक ब्रेरले या कोई इमरान खान ऑप्शन में आ गया कि हम उसकी कप्तानी का सोचना शुरू करें। ये जैसे ही बोर्ड चेंज होता है तो कुछ लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, फेवरेट्स होते हैं, उनको वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप जानबूझ के टारगेट करके किसी के पीछे मत पड़े। वो आपका कप्तान है, पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको सपोर्ट करें। हाँ, आगे जाके अगर आप जब ऑप्शन आपके पास आ जाए कि जी ये हमारा रेड बॉल का एक ग्रुप है, ये हमारा एक वाइट बॉल का है, काम करने की जरूरत है, प्लेयर मजीद प्रोड्यूस करने की जरूरत है। हमारी तो एक मुश्किल से बनती है टीम, तो हमने कौन से दो दो कप्तान और दो दो टीमें बनानी है अभी। देखें, ये लॉबी है जो उसके किसी को फेवर करने के चक्कर में, मेरा ख्याल है ये जब से सरफराज आए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी टेस्ट में, तो अब लोगों को ये लगता है कि फिर से वहीं से शुरू करें जहां से उनका ये सिलसिला टूटा था एज कैप्टन। दो मैचों की परफॉर्मेंस से आप क्या हम किसी को कप्तान बना देंगे दोबारा? आई थिंक जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस जा रही, बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो शख्सियत पसंदी से आगे निकलना पड़ेगा हमें, जो हम एक बंदे को पसंद करते हैं ना, तो उसकी गलती भी हमें अच्छी लगती है, उसकी अच्छाई भी हमें कई दफ़ा फिर बुरी लगती है। आप देखें प्लेयर की परफॉर्मेंस, जब वो अच्छी है उसको अप्रिशिएट करें, जब कहीं कमी नजर आए तो उसकी निशानदेही करें। ये नहीं कि आप एक ग्रुप लेके उसके पीछे लग जाएं और उसके ऊपर अनड्यू आप प्रेशर क्रिएट करो या लॉबिंग करनी शुरू कर दो। डेफिनेटली सिडी साहब ने जो बयान दिया है वो उनको पहले ही दे देना चाहिए था। और इस तरह जो उन्होंने शान को भी बनाया वाइस कैप्टन, मैं समझता हूँ कि उस वक्त बनाया जब वो अपने करियर की लोएस्ट परफॉर्मेंस उसने दी है। तो अगर बनाना ही था तो वेट करते ना, वेट फॉर द राइट टाइम, जब एक बंदा फॉर्म में हो। अब टीम में कप्तान तो वही बनेगा ना जो प्लेइंग 11 का मस्ट चॉइस हो। तो ऐसे को तो नहीं वाइस कैप्टन बना सकते ना, जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, टीम में नहीं आता। तो बड़े सोच समझ के इस बोर्ड को भी फैसले करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा तहम्मल, थोड़ा सा प्लानिंग करें। बहुत सारी चीज़ें अभी और होने वाली हैं जो ज़रूरी हैं। कोच लाना है आपने, टीम मैनेजमेंट बनानी है, सिलेक्शन कमेटी कंप्लीट करनी है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करना है, वापस 16 टीमों पे जाना है, डिपार्टमेंट को आपने लाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अभी कप्तान कप्तून के बारे में मत सोचिए।